हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप सब मस्त होंगे। मैं हूं नीरज, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। सो गाइस, आज मैं बात करने जा रहा हूं पहाड़ी रायता या फिर कुमाऊनी रायता भी इसे बोला जाता है। जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया कि इसे कैसे बनाया जाता है, तो घर पर तो आप ट्राई कर ही सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप नैनीताल में हैं या फिर नैनीताल घूमने का कोई प्लान बना रहे हैं, तो हल्द्वानी और भीमताल के बीच में एक जगह पड़ती है सलड़ी, और दूसरी जगह पड़ती है भवाली से अल्मोड़ा के बीच में गर्म पानी। तो इन दो जगहों पर आप पहाड़ी रायते को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलते हैं अभी वीडियो की तरफ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वेलकम गाइस, यह है जीरा और राई दाना जिसे हम पीसेंगे सिलबट्टे पे। इसमें हम बीच बीच में पानी भी डालते रहेंगे ताकि अच्छे से पिस जाए। इनके बीजों को अच्छी तरह से निकाल लेंगे। इसके लिए आप स्पून का या फिर हाथों का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इन खीरों को अच्छी तरह से कद्दूकस कर लेंगे।
कद्दूकस अच्छी तरह से हो चुका है। अब इसका पानी हम अच्छी तरह से निकाल लेंगे। आप चाहें तो किसी कपड़े का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे दही, उसके बाद राई दाना और जीरा पिसा हुआ, एक चम्मच हल्दी, नमक स्वादानुसार, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, और अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सो अब बन के तैयार हो चुका है हमारा पहाड़ी रायता। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। बाय बाय, टेक केयर।